दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी, इसलिए दूसरे चरण के मतदान के लिए पीएम मोदी ने ताकत झोंक दी। पीएम मोदी नांदेड़ में चुनावी रैली करने पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी को लेकर बड़ा दावा कर दिया। और महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी रैली करते हुए पीएम मोदी ने दावा किया कि राहुल गांधी इस बार वायनाड से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। कांग्रेस के जो शहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे ही 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा, राहुल गांधी वायनाड छोड़कर भाग जाएंगे। जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। क्योंकि पहले चरण के मतदान के दौरान कई राज्यों में बेहद कम वोटिंग हुई, इसलिए पीएम मोदी ने कम वोटिंग परसेंटेज के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि कांग्रेस हार रही है, इसीलिए कांग्रेस के समर्थक वोट डालने नहीं जा रहे। लोकतंत्र के लिए मेहनत कीजिए, अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, अरे कभी तो मौका आएगा, ऐसे निराश हो गए क्या बैठ गए हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र दौरे पर रहे, तो वहीं राहुल गांधी ने बिहार के भागलपुर में हुंकार भरी। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जनता से कई वादे किए। साथ ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार वाले दावे पर भी जवाब दिया। ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कितनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। राहुल गांधी ने भागलपुर से ऐलान किया कि अग्निवीर योजना हिंदुस्तान के युवाओं को अच्छी नहीं लगती। जैसे हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी आरजेडी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए राहुल गांधी की रैली में तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे और उन्होंने राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया। वहीं भागलपुर में चुनावी रैली करने के बाद राहुल गांधी यूपी के अमरोहा भी पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ रैली की और इंडिया गठबंधन की ताकत को दिखाया। और दूसरे चरण के मतदान से पहले अमरोहा में राहुल और अखिलेश एक साथ बीजेपी पर गरजे, क्योंकि एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यूपी में 2 शहजादों की फ्लॉप फिल्म चल रही है, इसलिए प्रधानमंत्री के इन आरोपों का अखिलेश यादव ने अमरोहा से ही जवाब दिया। जो लोग कहते थे कि उनकी फिल्म चल नहीं रही है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, पहले दिन ही पहला शो भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप रहा। क्योंकि जब पीएम मोदी अमरोहा आए थे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ढोलक देकर उनका स्वागत किया था, इसलिए अखिलेश यादव ढोलक को सियासी हथियार बनाकर भी सियासी बाण चलाते नजर आए। इस बार तो अमरोहा के ढोलक बज करके भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने जा रही है। वहीं राहुल गांधी ने बीजेपी को चेतावनी दी कि कोई भी अम्बेडकर साहब के संविधान को नहीं बदल सकता। Zee News.